घर से ड्यूटी के लिए निकले रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं। इसका शव अजनी रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध हालत में पाया गया। मृतक का नाम मुन्ना जाधव बताया जा रहा है। घटना को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। रेलवे पुलिस का कहना है कि उस पर कर्ज था। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंद्रमणि नगर निवासी मुन्ना जाधव, उम्र 57, दक्षिण पूर्व मध्य रेल अंतर्गत इतवारी रेलवे स्टेशन पर सैनिटरी निरीक्षक के रूप में कार्यरत था। वह हमेशा की तरह सोमवार के तड़के करीब 4:45 से घर से ड्यूटी जाने निकला, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं। सुबह करीब 6 बजे अजनी रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर मुन्ना जाधव का शव पड़ा मिला। प्रथम दृष्टा रेलवे पुलिस मान रही है कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना स्थल से करीब 50 मीटर दूरी पर उसके जूते पड़े थे, उसका पैंट फट गया था, जगह जगह कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। उसकी चाबी का गुच्छा भी घटना स्थल पर पड़ा मिला। उसकी गर्दन कटी थी, कमर, घुटने और सिर पर गंभीर जख्म थे। घटना के बारे में जानकारी मिलने पर अजनी रेलवे स्टेशन के प्रबंधक ने रेलवे नियंत्रण कक्ष और लोहमार्ग पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर लोहमार्ग पुलिस का एक दल पहुंचा। पुलिस दल ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव का पंचनामा किया। उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजी गई। मृतक जाधव की पत्नी जयश्री और 2 छोटी बेटियां है। बताया जाता है कि सामाजिक कार्य में जाधव का काफी योगदान रहा है। रेलवे पुलिस सूत्रों के अनुसार मुन्ना जाधव पर काफी कर्ज हो गया था। इसके पहले भी एक बार वह घर में सुसाइड नोट लिखकर निकल गए थे। बाद में आत्महत्या का इरादा त्याग कर वे वापस लौट आए थे। उसने दोबारा वर्धा में आत्महत्या की कोशिश की थी। मुन्ना जाधव की मौत के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया है। लोहमार्ग पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इंग्लिश न्यूज, नागपुर।